Good morning children, welcome back to drawing session. And today's date is 5/9/2020 and day is Saturday. Yes children, तो last class में सारे लोग drawing finish किए हो ना? Yes, very good. तो आज के लिए ना हम लोगों को painting करना है, okay? Painting के लिए आप acrylic color, poster color और water color, जो भी आपके पास medium है वो आप use कर सकते हो, okay? एंड पेंट करने से पहले जो मैं स्टेप्स बताऊंगा तो ध्यान से देखना है आपको. एंड उसके बाद आपको पेंटिंग स्टार्ट करना है. एंड आफ्टर पेंटिंग चलो आपको ब्लैक स्टेंसिल ट्रेस करना है. ओके, ड्राइंग फर्स्ट, ड्राइंग देन पेंटिंग एंड लास्ट स्टेप इज ट्रेसिंग विथ ब्लैक स्केच पेन. ओके, तो इतना आप करोगे तो आज का आपका पेंटिंग वर्क फिनिश हो जाएगा. ओके, तो सारे लोग रेडी हो ना चिल्ड्रन? यस, थैंक यू चिल्ड्रन. यस, तो चिल्ड्रन हम लोग पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आपको क्या क्या चाहिए पेंटिंग करने के लिए? आप लास्ट क्लास में ये जो ड्राइंग बनाए थे ना फिश, तो एक बुक लेना है आपको. एंड आपको ब्रश लेना है एंड बाउल, वाटर बाउल एंड पैलेट एंड कलर्स चिल्ड्रन, तो एंड वन वेस्ट क्लॉथ. तो इतने मटेरियल आपके पास रहेंगे तो आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना पाओगे. तो पेंटिंग बनाने से पहले चिल्ड्रन तो मैं बताऊँगा पहले आपको कहाँ से पेंटिंग स्टार्ट करना है. तो मेन ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फिश. तो हम लोगों को पहले फिश कंप्लीट करना है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड रेडी करना है. ओके, तो फिश हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन. एंड जो मेथड मैं आपको बताऊंगा तो मेथड फॉलो करो चिल्ड्रन. बट कलर आपको अलग कलर चाहिए तो फिश के लिए आप लोग अलग कलर अप्लाई कर सकते हो. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिश पेंटिंग. तो फर्स्ट हम लोग फिश से स्टार्ट करेंगे पेंटिंग. तो कलर मैं जो अप्लाई करूंगा आपको वही अप्लाई करना करके नहीं है, आपको जो कलर आपको फिश के लिए आपको अच्छा दिखेगा वो वाला कलर आप यूज़ कर सकते हो. तो देखो फर्स्ट मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे येलो कलर लूँगा, येलो पेंट. तो येलो पेंट लूँगा मैं, येलो कलर. एंड तो इसके मैं फेस के पास अप्लाई करूँगा फर्स्ट येलो कलर. देखो मैंने यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर दिया ना. तो अभी नेक्स्ट चिल्ड्रन अगर यहाँ पे मैं येलो लगाऊंगा तो हम लाइन बना के यहाँ पे पैटर्न क्रिएट के कुछ यूज़ नहीं होता है. तो बेटर यहाँ पे इसको छोड़ना है, फिर मैं यहाँ पे येलो लगाऊंगा, फिर इसको येलो लगाऊंगा, फिर ये जो लास्ट वाला है ना इसको हम येलो लगाएंगे. ओके, यस. तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा येलो कलर लगा दिया है. एंड बीच में जो गैप है ना चिल्ड्रन, इसको अभी कलर नहीं लगाना है क्योंकि अभी जो ये वेट है ना, अगर आप यहाँ पे पेंट लगाओगे तो दोनों मिक्स होके मर्ज हो जाता है. देन उसके बाद अलग टर्टरी कलर या सेकेंडरी कलर यहाँ पे क्रिएट होता है. सो बेटर इसको ड्राई होने तक आपको बीच में कलर अप्लाई नहीं करना है. ओके, तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, तो जहाँ पे कलर नहीं लगाया है ना डिस्टेंस में, यहाँ पे बबल्स वगैरह है ना, तो हम लोग वहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम बबल्स को क्या करेंगे, डार्क ब्लू अप्लाई करेंगे चलो. ओके, तो आपको डार्क ब्लू लेना है, डार्क ब्लू आपको लेना है. एंड जो ये बबल्स हैं ना यहाँ पे, इन सबको ऐसे यहाँ पे लगाना है. ओके, आउटलाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है चिल्ड्रन. एंड जो पेंट में ना सफिशिएंट वाटर रहना चाहिए तभी आपका ब्रश मूव होता है आगे. अगर पेंट में वाटर नहीं रहा तो ब्रश आगे नहीं जाएगा, तो आपका पेंटिंग बिगड़ सकता है. आराम से बनाना है. एंड जो आपने ड्राइंग किया है ना सर्कल्स, बिग साइज स्मॉल साइज, उसके हिसाब से आपको ब्रश को भी चेंज करना है. अगर आपका बबल छोटा रहा, आपका ब्रश बड़ा रहा, तो आप उसके अंदर नहीं लगा सकते हो पेंट. तो साइज के हिसाब से आपको ब्रश भी चेंज करना है. यस, तो देखो यहाँ पे मैंने सारे बबल्स को यहाँ पे ब्लू कलर लगा दिया है. यस, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप वाटर लगाओगे लाइट ब्लू, तो ये बबल्स के साथ मिक्स हो जाएगा. तो बेटर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो प्लांट्स वगैरह ये सब हम लोग ड्रॉ कलर पेंट करेंगे भी. ओके, तो फिर से ब्रश को क्लीन करना है पूरा. एंड बेस्ट कलर को इसके लगाओ ऐसे. नेक्स्ट आपको लेना है ग्रीन कलर. तो ग्रीन आप कौन सा भी ग्रीन यूज़ कर सकते हो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड 2-3 डिफरेंट ग्रीन भी आप कर सकते हो. ओके, तो मैं लूँगा मीडियम कलर का ग्रीन अभी यहाँ पे. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, सफिशिएंट पानी वाटर आप यूज़ करोगे तो आपका पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल बनेगा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. तो टोटल 4 है, 1 2 3 4. एंड तो मैं इसमें 2
टू डार्क कलर बनाऊंगा एंड टू लाइट कलर बनाऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग लाइट ग्रीन बनाएंगे इसको एंड फिर इसको डार्क करेंगे, फिर इसको फिर से लाइट ग्रीन लगाएंगे। ओके यस, तो देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन लगा दिया है। तो नेक्स्ट डार्क ग्रीन लगाएंगे। अगर किसी के पास ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, सेकेंडरी कलर नहीं रहा, तो आपको मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में चार्ट प्राइमरी सेकेंडरी कलर कैसे क्रिएट करना है, तो आप उससे भी आप मिक्स करके पेंट कर सकते हो। अगर नहीं रहा तो, अगर आपके पास 12 कलर का सेट रहा तो उसमें बहुत सारे सारे अलग अलग शेड्स रहेंगे, आप लोग डायरेक्ट कलर यूज़ कर सकते हो। जिसके पास नहीं रहेगा वो आप लोग सेकेंडरी कलर क्रिएट करके आप लोग पेंटिंग बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है अभी, डार्क ग्रीन कलर, तो इन दोनों को हम लोगों को भी डार्क ग्रीन फिल करना है। ओके तो हमारा अभी इतना पेंटिंग हो गया है, तो बीच में सब जगह पे यहाँ पे गैप है ना, तो हम लोग अभी पेंटिंग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए देंगे। तो ड्राई होने के बाद आप लोग जो बीच में जो स्पेस बचा है ना, इसको आप पेंट कर सकते हो। तो तब तक हम लोग यहाँ पे स्टोन है ना, इसको भी स्पेस पेंट लगाएंगे चलो, क्योंकि सराउंडिंग यहाँ पे कुछ भी पेंट नहीं लगाया है तो मर्ज नहीं होता है। तो उसको हम लोग ऑकर येलो और ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हो स्टोन्स के लिए अंदर। ये देखो मैं ऑकर येलो लिया हूँ, ऑकर येलो मतलब चलो थोड़ा डार्क रहता है, येलो में अगर आप थोड़ा ब्राउन डालोगे तो ऑकर येलो बन जाएगा। यस, तो देखो यहाँ पे मैं ऑकर येलो यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है ना क्रोम येलो है, मतलब ये जो परफेक्ट येलो है, इससे थोड़ा डार्क चाहिए तो आपको इसमें आप इसी येलो में आप ब्राउन ऐड करोगे तो ये ऑकर येलो बन जाएगा। ओके, तो ब्राउन लगाएंगे तो बहुत डार्क होता है, तो ऑकर येलो बनाना है हम लोगों को। तो दोनों स्टोन्स को मैंने लगा दिया है। यस, तो अभी कम्प्लीटली ड्राई होना है सब पोर्शन। उसके बाद जो यहाँ पे वाटर इफेक्ट एंड जो विंग्स टेल एंड बीक को सब आप पेंटिंग कर सकते हो। यस, तो चिल्ड्रन ये सब ड्राई हुआ है अभी, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रेड लगाएंगे इसके माउथ को यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी आउटलाइन से बाहर नहीं आना है। अगर आपका एरिया छोटा रहा तो ब्रश स्मॉल वाला यूज़ करो, छोटा वाला तो ये कवर होता है। यस, एंड नेक्स्ट इसके आईबॉल को ब्लैक लगाएंगे हम लोग अभी। स्लोली, आउटलाइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। ओके, ब्लैक हो गया। अभी यहाँ पे आप एक कलर सेलेक्ट करना है, जैसे आप येलो यहाँ पे लगाए तो डार्क कलर आपको यूज़ करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लाइट कलर हम लोग लगा दिए यहाँ पे। तो डार्क कलर कौन सा अच्छा रहा उसके लिए, आप लोग रेड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एंड ब्लू यूज़ कर सकते हो, मगर ब्लू क्या होता है वाटर एंड फिश का कलर सेम हो जाता है, तो हम लोग ब्लू यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट तो बेटर हम लोग ऑरेंज वहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑरेंज एंड येलो अच्छा दिखता है फिश के बॉडी को। एंड देखो यहाँ पे भी ऑरेंज मैं अप्लाई करूँगा अभी, नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो तीनों साइड हम लोगों को ऑरेंज फिल करना है। तो ऑरेंज भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, विंग्स, उन सबको आपको कलर करना है ना, तो उसको कौन सा कलर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे भी, तो इसको ना वायलेट कलर आप यूज़ कर सकते हो, वायलेट अच्छा दिखता है। ओके, यस, तो वायलेट कलर लेना है चिल्ड्रन, एंड वायलेट कलर आपको यहाँ पे और यहाँ पे एंड लास्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। इन तीनों को आप इतना वायलेट कलर लगाओगे तो फिर से ड्राई होने के बाद आपको बैकग्राउंड फिल करोगे तो आपका पेंटिंग फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वायलेट कलर फिल करना। यस चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे आउटलाइन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आउटलाइन के अंदर आपको फिल करना है। यस, तो देखो हमारा वायलेट कलर भी फिल करना हो गया, चलो कंप्लीट। तो कम्प्लीटली अभी ड्राई होने दो, बैकग्राउंड आप ब्लू कलर फिल करोगे एंड यहाँ पे थोड़ा ब्राउन वगैरह लगाएंगे हम थोड़ा, तो आपका पेंटिंग फिनिश हो जाएगा। आफ्टर पेंटिंग आपको क्या करना है चिल्ड्रन, ट्रेस करना है ब्लैश स्केच से। ओके, तो देखो इस तरह से फिश को ना ब्राइट कलर आपको अप्लाई करना है। ओके, तो तभी आपका वो बैकग्राउंड से फिश ना अट्रैक्ट दिखेगा, वरना ये भी डल कलर रहा, अगर ये भी डल रहा तो बैकग्राउंड आपका पेंटिंग पूरा तो ब्राइट नहीं दिखेगा, बहुत डल दिखता है पेंटिंग। तो ब्राइट दिखने के लिए आपको एकदम ब्राइट कलर आपको सेलेक्ट करना है, लाइक येलो, ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको फिल करना है। ओके, तो अभी लास्ट में मेरा काम क्या है, अभी
वाटर को फिल करना है, जस्ट बैकग्राउंड ब्लू कलर एंड हियर लिटिल ब्राउन कलर। मैं ब्राउन मिक्स करूँगा, ब्राउन मिक्स करके हम लोग यहाँ पे नीचे ग्राउंड में फिल करेंगे थोड़ा। यस, तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा पेंटिंग करना, तो जो पेंट का वर्क है ना कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसको कंप्लीट ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद जो आपने ड्राइंग किया है ना, ये सब लाइन आपको ब्लैक स्केच पेन से ट्रेस करना है, तभी आपका वर्क कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग बॉर्डर चिल्ड्रन, बॉर्डर एंड जो बबल्स जो भी आपने ड्राइंग किया है इसको ट्रेस करना है। ओके, तो ये कंप्लीट वाला है, कंप्लीट जो मैं ट्रेस करूँगा ना इमेज ड्राइंग, तो उसका भी मैं इमेज मैं आपको भेजूँगा एंड वीडियो भी भेजूँगा, तो आप ये देख के स्टेप बाय स्टेप आपको पेंटिंग फिनिश करना है। ओके, एंड जो मैंने बताया आपको पेंटिंग का पेंट कैसे, कलर कैसे सेलेक्ट करना है एंड कलर में पेंट पानी कितना रहना है, सब कुछ मैंने बताया ना अभी आपको जस्ट, तो सब आपको सारे मटेरियल लेना है, ब्रश पैलेट बाउल सब कुछ, एंड आपको ये वाला पेंटिंग बनाना है। ओके, तो इतना आप बनाओ चिल्ड्रन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया ड्राइंग बनाएंगे, एंड इसके लिए आप वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर तीनों में से कौन सा भी आपके पास जो है आप उस पेंट को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि ओनली वाटर कलर और पोस्टर कलर यूज़ करना है, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो वाला पेंट आप इसके लिए यूज़ करो। ओके, यस चिल्ड्रन, थैंक यू। तो इतना आप वर्क बना लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया वर्क, नया ड्राइंग के साथ आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।